एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री के आदेशानुसार पुलिस थाना गोहर में तैनात थाना प्रभारी सुरम सिंह धीमान ने चैल चौक व गोहर में एक जागरूकता शिविर लगाया। इस शिविर में चैल चौक के टैक्सी चालकों व स्थानीय जनता से यातायात के नियमों के बारे में अवगत करवाया गया। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बेतरतीब ढंग से गाड़ियों के पार्किंग से लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए डीआईजी शिमला के आदेशानुसार मंडी पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चैल चौक में भी एक शिविर के माध्यम से चालकों को जागरूक किया गया। आज से पहले सप्ताह में इलाके के निजी व टैक्सी चालकों को जागरूक करने की मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसमें टैक्सी चालकों ने गोहर पुलिस के अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। वीक्स में चलाया हुआ है हमारा एसपी साहब जो हमारे मैम ने जब ज्वाइन की मंडी में, तो इन डीजीपी साहब की ये डायरेक्शंस है जो हमारे प्रदेश के पुलिस के मुखिया हैं कि 3 वीक्स में काम करें। फर्स्ट वीक में हम आपको अवेयर करें कि ये आइडल पार्किंग से क्या क्या होता है, ठीक है। सेकंड वीक में हम आपको थोड़ा सा वार्निंग देंगे कि भाई अगर आप बार बार करेंगे तो हम आपकी गाड़ी को भी सीज करेंगे, चलानिंग करेंगे। थर्ड वीक में जो है उसके हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी इसके अधीन जो भी ऐसे लॉ की वायलेशन करेगा उसके हम चलान भी करेंगे, उसकी हम गाड़ियां भी डिटेन करेंगे, ठीक है। अगर कोई बार बार समझाने से भी नहीं मान रहा है, फिर वो वार्निंग देने से भी नहीं मान रहा, तो उसका क्या इलाज है, यही है ना, ठीक है। तो हम आपके साथ मिलके जो भी कोई भी एक्स वाई जेड जो है ABCD जो अपना वाहन बेतरतीब पर खड़ा करता है जिसकी वजह से यातायात अवरुद्ध होता है, उसके हमने बताना है। ये नहीं कि मेरी टैक्सी है मैं नहीं बोलूँगा, जो दूसरा आदमी आता है भाई साहब ढंग से लगाएं, 5 मिनट के बजाय 10 मिनट लगाएं, बट अपना व्हीकल पहले आराम से अलग से ऐसी जगह खड़े करें जहाँ किसी को समस्या न हो। टैक्सी चालक के प्रधान कृष्ण शर्मा, रूपचंद परमानंद, न्यानुराम, देवेंद्र बंटी भारद्वाज, राजू राजूराम, देवेंद्र कुमार, ईश्वर दास व अन्य ने इस जागरूकता शिविर में भाग लिया।